ईश्वर खुद ही करता है अपने बंदे की निगरानी। नया तकिया, नया मंजर, नया दाना, नया पानी। जब आपसे ना सुलझे आपके उलझे हुए धंधे, तो ईश्वर के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। वही आपकी मुश्किलें आसान करेगा, जो आप स्वयं ना कर सके वो सिर्फ हमारा भगवान करेगा। जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। आज के गुड लक में हम राशियां तो जानेंगे ही, साथ में हम आपको बताएंगे कि विवाह में हो रहा विलंब, कब, क्या, किस दिन कैसे उपाय कर लिए जाएं, और शुक्रवार को विशेष रूप से क्या उपाय कर लिया जाए जिससे विवाह में हो रहा विलंब दूर हो जाए और विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हो। साथ में आपको बताएंगे आज का गुड लक टिप। तो बिना देर लगाए शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का गुड लक। अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर ये जानकारी लेना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में कौन सी महादिशा चल रही है, कौन सी अंतरदिशा चल रही है, क्या प्रत्यंतर चल रहा है, या कौन सा ऐसा योग है जो आने वाले समय में मेरे को उपलब्धियां दे जाए, मैं वो छोटा सा क्या उपाय कर लूं, मेरी काया भी निरोगी रहे और धन धान से मेरा घर भरा भी रहे, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सिर्फ आपने हमसे बात करनी है अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर फोन लगा। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। और 10 नवंबर 2017 दिन शुक्रवार, आज मुख्य नक्षत्र है। ये नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र है। सप्तमी तिथि है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज के योग की बात करेंगे तो शुक्र योग है। चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में रहने वाला है। राहु काल का समय रहेगा 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। कोई विशेष कार्य आदि के लिए अगर आपको जाना भी हो तो हरिओम तत्सत कर जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी राशियों की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत है? देखो, आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपका धन कोई मांग के ले जा सकता है, किसी को आप धन दे सकते हो, तो धन व्यय होने का यहाँ पर योग बना हुआ है। 10 का अंक और लाल रंग आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, इसको अपना लो, ऐसा संकट नहीं आएगा। अब बात करते हैं आपकी वृषभ राशि। यहाँ पर हम शुक्र की राशि की जब बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में अगर कोई विवाद चल रहा था उसको खत्म होने के योग बने हुए हैं। बिजनेस में अचानक आपको सफलता भी मिल सकती है। ब्राउन कलर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है और 7 का अंक आज आप अपना सकते हैं। अब बात करते हैं बुध की राशि यानी कि मिथुन राशि। जब हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं तो परिचय आपका नए दोस्तों से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। विशेष रूप से स्त्री वर्ग से आप सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए हायर स्टडी के लिए बहुत सुनहरा अवसर भी है। विदेश जाकर आप शिक्षा ग्रहण भी कर सकते हैं। आपके लिए 54 का अंक और हरा रंग बहुत शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा की राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो घर से बाहर या घर के अंदर बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। इससे घर की आपकी एनर्जी भी कम होती है। दूध का दान देना आपके लिए बहुत हितकारी रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा की राशि भी तो है। अब बात करते हैं अगर सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को अपने काम करने वाले लोगों को नरमी से बात करें, उनसे प्यास करें, थोड़ा प्यार से पेश आए तो बहुत अच्छा रहेगा। खिचड़ी का दान देना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपके लिए रंग लाल बहुत शुभ है और 5 का अंक आपके लिए कल्याणकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। अधिक भाग दौड़ के बाद आपको सफलता मिलने का योग बना हुआ है। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा दो, 15 का अंक आपके लिए बहुत शुभ है, बस कर लो इस उपाय को। चलिए अब बात करते हैं आज के अपने पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, पहले कॉलर आ गए हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ, मेरा जन्म जो है 19 अगस्त 1962 का है। 19 अगस्त 1962। हाँ। नाम अपना बता दीजिए। ब्रजेंद्र कुमार। 19 अगस्त 1962, समय और बताएं। सुबह 4 बजे बड़ौत। हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं? जी क्या पूछना चाहते हैं?
मैं एक तो वाइफ के बच्चों के बारे में जानना चाह रहा था, थोड़ा काम धंधा कर कुछ चलता है। बिल्कुल, ये कुंडली आपने अपनी दी है ना? जी जी। तो वाइफ के और बच्चों के लिए आपने योग से पूछना चाहते हैं। यहाँ पे चतुर्थी कृष्ण पक्ष फूल योग में जन्म हुआ, उत्तराभाद पदा नक्षत्र की कुंडली देखने को मिल रही है आपकी कुंडली में। यहाँ पर आपकी कुंडली में देखते हैं बच्चों का घर जो आपने पूछा है, तो बच्चों के घर के देखें तो इनके स्वामी मंगल जो है वह अस्त हुए द्वादश भाव में, नहीं अस्त नहीं हुए, बैठे हैं द्वादश भाव में, जबकि बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में बना हुआ है द्वितीय भाव में। आपकी कुंडली में बकरी भी हैं। गुरु महादशा देख कर बता देते हैं, आपकी महादशा जो चल रही है वह इस समय चल रही चंद्रमा की 14 से 24 तक। एक काम करो, 125 ग्राम का चांदी का चंद्रमा बनवाओ, ओम चंद्राय नमः लिखवाओ, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगाओ, पहला उपाय करो। और सोमवार के सोमवार बाबा पर पंचामृत का भोग करो, दो सफेद पुष्प के साथ। 16 सोमवार देखे देखो, फिर फोन करना, मंगल का उपाय बताएंगे, जीवन में बहुत उपलब्धियां मिलेंगी। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर आ गए हमारे साथ। सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हां जी, नमस्कार गुरु जी। कल्याण जी, आपका डिटेल बताएं। हाँ जी, मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1970 है। 26 अक्टूबर 1970, समय और बता दें। 78। यस सर, समय का पता नहीं है बट रात का है जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी जॉब है या नहीं है, मतलब है तो क्या तक होगी? देखिए, दशम भाव तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे कौन क्या ग्रह बैठे हैं, क्योंकि आपने समय नहीं बताया। दशमी पे जन्म अवश्य जन्म हुआ है आपका कृष्ण पक्ष में, शुक्ल योग भी था श्लेषा नक्षत्र। एक काम कीजिए, 27 किस्म की दालें ले लीजिए, अनाज ले लीजिए, एक पीले कपड़े में बांधिए और गुरुवार के दिन 5 गुरुवार तक भेंट दे दो, 1.25 किलो ले लो, सवा जितना हो सके सवाया ले लेना। इससे आपके जीवन में ये उपलब्धि भी आपको मिल सकती है आने वाले चैत्र के नवरात्र तक। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर आ गए हमारे साथ। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। कल्याण जी, आपका डिटेल बताएं। हाँ, 3 फरवरी 1965, समय और बताएं। प्रातः 7:07 मुजफ्फरनगर जी। मैं जानना चाहता हूँ, पैतृक संपत्ति काफी है मेरे पिता द्वारा मिली या पिता को विरासत में मिली, उस पे विवाद काफी चल है, कोर्ट केस वगैरह है, और जो मैंने भी अर्जित करी, मेरे भाई जॉइंट फैमिली है मेरी, तो उनसे भी कुछ ना कुछ कोर्ट केस, कोई ना कोई संपत्ति संबंधी विवाद चलता रहता है। अगर कोई अर्जित करते हैं, कोई मिल लेते हैं, देखभाल के लेते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ समस्या आती है। व्यवसाय संबंधी भी कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है, तो पेमेंट भी रुक जाते हैं पार्टियों पे। क्या उपाय करूं जिससे समाधान मिले मुझे? देखिए, जिस स्थान पर आप रहते हैं, सबसे पहला तो ये उपाय कीजिए कि उसके मुख्य चौखट पर वास्तु दिग्दोष नाशक यंत्र की स्थापना करो। दूसरा उपाय क्या करो, अपने घर के चौखट पे राइट साइड में सूर्य यंत्र और लेफ्ट साइड में मंगल यंत्र स्थापित कर दो, क्योंकि जिस स्थान पर आप रहते हैं यहाँ पर हमेशा कष्ट रहेगा। और कुंडली और ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से आपको अपने घर में हर 6 महीने में, यानी कि दोनों नवरात्र पकड़ लीजिए, आश्विन मास के और चैत्र के, इसमें नव ग्रह अवश्य कराइए, दुर्गा का पाठ कराइए, दुर्गा सप्तशती खुद भी पढ़ेंगे तो संपत्ति का नुकसान नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर आ गए हमारे साथ। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डिटेल बता के प्रश्न पूछे। 25/91, समय और बताएं। समय नहीं पता पंडित जी। प्रश्न पूछे आप सीधा। पंडित जी, मैंने एक कारोबार चालू किया है, वो हो नहीं पा रहा है पूरा। किस चीज का कारोबार चालू किया आपने? डोंगा जी, डोंगा प्लेट जो बनते हैं। तो क्या नहीं, परेशानी क्या आ रही है इसमें? चालू नहीं हो पा रहा है, कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है। बिल्कुल परेशान मत होइए। एक काम कीजिए, एक नारियल लीजिए, नारियल के ऊपर 27 बार मौली लपेटिए, अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार दिए एंटी क्लॉकवाइज, 2 सफेद फूल के साथ पीपल पर सूर्य नारायण के मंदिर में या शनि मंदिर में, और तीनों दिन अलग अलग ले जाकर दे दो, कारोबार चालू हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम पंडित जी। हमारी आपका जी, योगेंद्र कुमार मिश्रा है और डेट ऑफ बर्थ है 30/11/1976। 20/11 30/11
30/11/1976 और टाइम है 1:02 दोपहर का और लखनऊ है जन्म स्थान। ये पंडित जी पूछ रहे थे कि प्रमोशन कब तक होगा हमारा। देखिए मंगलवार का जन्म कुंडली के आधार पर दशमी शूल शुक्ल योग वज्र योग में चल रहा था आपका जन्म। अब जबकि आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का प्रथम चरण है, कुंडली के आधार पर यहाँ पर देखें तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसके आधार पर कुंभ लगन की कुंडली देखने को मिले। मंगल बुध आपकी कुंडली के दशम भाव में अस्त हुए। एक काम करो आप, मंगलवार के दिन नियम बना लो, कम से कम 27 मंगलवार तक गुड़ चना दो केले गाय को खिलाओ, बहुत सारे काम बन जाएंगे। कर लो और काम बनने के बावजूद भी करते रहना इस उपाय को 27 मंगल करना। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर आ गए हमारे साथ, परवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। जी मैं परवीन शर्मा सर, हरिद्वार से। जी जी बताइए, डिटेल बताएं। मैं सर, मेरा जन्म है 18/81 18/81 4/81 जी जी। समय और बताएं सर। समय है सर 11:30 रात को। कहाँ का जन्म है ये सर? बड़ौद का है सर, मेरठ। बड़ौद का, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नौकरी में थोड़ी ना कुछ अभी बाधाएं आ रही है, मतलब नौकरी अभी थोड़ा नहीं कर रहा हूँ 3-4 महीने से, तो आगे कुछ क्या योग बनना है कुछ बताइए सर। देखो एक बात आपको बता दें, जिस योग में जो गोचर की स्थिति चल रही है वो आपके थोड़ी सी इस समय राहु क्योंकि सूर्य की स्थिति में चल रहे हैं। यहाँ पर एक बात आपको बता, आप एक छोटा सा उपाय शुरू करो, इसमें मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन दोनों दिन 5 प्रकार की भीगी हुई दाल चिड़ियों को खिला दो। एक दिन पहले भिगा दो, सोमवार को भिगाओ और मंगलवार को खिलाओ दो बुधवार को, सोमवार वाली मंगल को और मंगल वाली बुधवार को, 5 तरह की दाल ये खिलाना शुरू कर दो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी भी धार्मिक स्थल पर या किसी धार्मिक पुरुष को 5 तरीके की दालें ले जाके 1.25 किलो दे दो। एक बार करके देखो, फिर देखना काम में बहुत तरक्की होगी। जय श्री कृष्णा। रश्मि जी आ गए अगले कॉलर हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका। गुरु जी प्रणाम। कल्याण जी आपका, डिटेल बताएं। जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 1988। टाइम है रात के 8:27। स्थान कानपुर। क्या पूछना चाहते हैं जी? इसकी शादी कब होगी और लव होगी कि अरेंज होगी? गुप्त बात पूछ ली आपने भैया की, भैया से नहीं पूछा कि लव करते हो किसी से नहीं करते हो। यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ, विरियन योग त्रयोदशी का जन्म है। अब आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर इनसे पूछो किसी कन्या को पसंद करते हैं। यहाँ पर योग तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है क्योंकि इनके सप्तम भाव के स्वामी की बात करेंगे तो सप्तम भाव के स्वामी ऐसे योगों में हैं। उपाय इनसे करा देना, राधा रानी के मंदिर में पोशाक दिला देना, अप्रैल तक ये योग भी बनेगा। जय श्री कृष्ण। अभी लेंगे यहाँ पर बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन वो कौन सा उपाय करने से वैभव में आ रहा विलंब बहुत जल्द पूर्ण। अब बिना देर लगाए तुला राशि वालों के लिए, आज आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को मन की बात कह सकते हैं। देखो जीवन साथी को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तबीयत का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। वजन के बराबर सतनाजा दान देना आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी रह सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। देखो मन की बात तो आप कह सकते हो प्रेमी प्रेमिका से, मगर प्रेम का इजहार करने का बहुत बड़ा योग बना हुआ है। शुभ रंग गुलाबी है और अंक आपके लिए 8 का शुभ है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि गुरु की राशि। और गुरु की राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बदलते मौसम में कमर दर्द, घुटना दर्द आपको परेशान कर सकता है। बादी वाले पदार्थ खाने से आपको बचना होगा। 9 का अंक और पीला रंग आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि। देखिए इंजीनियरिंग से जुड़े जितने लोग हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है क्योंकि यहाँ पर आपको नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। शुभ रंग आपके लिए नीला है और 17 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। अब शनि की अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि। यात्रा पर जाएं, विदेश जाकर यात्रा करने का योग बहुत प्रबल बना हुआ है।
अच्छा, पैसे की लेन देन में बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। पर्पल रंग आपके लिए बहुत शुभ है, पर्पल रंग का रुमाल रख लो, 26 का अंक लिख के रखो पॉकेट में, इससे कल्याण भी होगा। अब बात करते हैं आज की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। जब हम बात कर रहे हैं तो मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हो, कोई मांगलिक कार्य आपके आसपास चल रहा हो उसमें सम्मिलित आप हो भी सकते हो। अच्छा, आप अपने मान सम्मान का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, स्वयं देख रेख रखें, अपने सम्मान की भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, लापरवाही से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं अगले कॉलर से हमारे। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर, मेरा नाम है अनुराधा ठक्कर, मैं महाराष्ट्र के जालना जिले से बात कर रही हूँ। मेरी जन्म तारीख है 23/6/84, जन्म सुबह 7 से 8:30 के बीच है, मुझे टाइम बराबर मालूम नहीं है, और जालना का ही जन्म है। मुझे जानना है कि मेरे कुंडली में कोई गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, या मैं कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकती हूँ। बिल्कुल, आपकी कुंडली में जो आपने डेट दिया, हमने 8 बजे का टाइम डाला है, उसके दशम भाव के स्वामी की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी योग नहीं देखने को मिल रहा। आने वाले समय में आपको बता दें कि आपका जो योग अगर बन सकता है तो वो अप्रैल के बाद, या यहाँ पर मान के चले अक्टूबर के आसपास ये योग दिखाई दे रहा है। अब आपने उपाय क्या करना है, एक उपाय कर लीजिए, इसमें बुधवार के दिन और शनिवार के दिन गर्म कपड़े दान दो, दे के देखो ये योग भी बनेगा। जय श्री कृष्ण। अर्जुन जी अगले कॉलर आ गए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए, डिटेल बताएं फिर झटपट प्रश्न पूछें। नाम है मेरा अर्जुन जी, डिटेल बताइए अर्जुन जी। 1/11/1952। 1/11/1952, समय और बताएं। सुबह करीब 8:15 बजे। सुबह 8:15 बजे। कहाँ का जन्म है? आगरा। क्या पूछना चाहते हैं? 4-5 साल से बड़ी परेशानी हो रही है, मकान मालिक ने परेशान कर दिया, दुकान के मकान मालिक ये भी हार गए, दुकान छोड़नी पड़ रही है, समझ नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर पूर्णमासी शुक्ल पक्ष वज्र योग अश्विनी नक्षत्र चल रहा था जब आपका जन्म हुआ, उसके आधार पर यहाँ आपकी कुंडली की देख लेते हैं कि देखिए, आपकी कुंडली में गज केसरी योग तो है, मगर ये गज केसरी योग जाकर बने हैं 6ठे भाव में। महादशा आपकी कुंडली में इस समय जो चल रही है वो महादशा आपकी कुंडली में चल रही है राहु की, बस राहु जाते हुए थोड़ा सा समय है, उसके बाद गुरु आ जाएंगे, 16 साल के लिए आपका जीवन मंगल में होगा। उपाय आप क्या कीजिए, अपने वजन के बराबर सतनाजा एक बार दान दे दो, गेहूं बहुत ज्यादा बढ़ा देना, बाकी चीज 10% दे देना चाहे आप, दे के देखो बुधवार के दिन देना, जीवन में उपलब्धियां भी मिलेंगी। जय श्री कृष्ण। संजय जी आ गए अगले कॉलर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कल्याण आपका, बताएं डिटेल बताएं झटपट। जी मैं बताऊँ, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आप अपनी डिटेल बताइए, टीवी का वॉल्यूम कम करके जल्दी से बताइए। जी जी, मेरा जन्म 1973 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1973, समय और बता दीजिए। समय तो नहीं याद है पंडित जी, लेकिन आप सीधा प्रश्न पूछिए संजय जी, सीधा प्रश्न पूछिए। जी मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, मैं साथ में काम डालता हूँ, उसमें नुकसान ही होता है। बिल्कुल, जो डिटेल आपने दी है उसके आधार पर आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में ये डेट ऑफ बर्थ सही है तो नक्षत्र क्या चल रहा था उस समय, कृतिका नक्षत्र था, तृतीय शुक्ल पक्ष प्रीति योग था, इसके आधार पर एक उपाय कर लीजिए, आपके काम अवश्य बनेंगे। 17 रुपए की हरी सब्जी 23 बुधवार तक गऊ को खिलाना शुरू कर दो, कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है याद रखिएगा, इससे आपको बहुत सारी सफलताएं भी मिल जाएंगी। जय श्री कृष्ण। अब बात करते हैं आज के महा उपाय की, और महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं, शुक्रवार के दिन किसी स्त्री को सुहाग का समान दान देने से अविवाहित कन्या की शादी में हो रहा विलंब दूर हो जाता है। अच्छा, लक्ष्मी की भी माता रानी प्रसन्न होती हैं, कृपा बरसाती हैं, सुहाग के समान में चूड़ियां हो, कुमकुम हो, लाल साड़ी हो, माता के श्रृंगार का समान हो, ऋतु फलम जो मौसम के फल हो वो दें, मिष्ठान दें, वस्त्र दें, समर्पित कर दो महामाई को देने से कन्या का जो विलंब चल रहा है, कोई भी कुंडली में दोष हो, बहुत दिनों से शादी नहीं हो पा रही है, तो वो संपन्न होगी।
अब बात करते हैं आज के गुड लक टिप की। देखो किसी कन्या को 54 रुपए कहते हैं सिक्के दे दो लाल पोटली में बांध और बताशे 125 ग्राम बताशे दे दो, आपकी नई नौकरी के योग बनते हैं। नौकरी में आपने सोचा कि नई नौकरी कब मिल जाएगी, बिल्कुल योग बन जाएगा, नई नौकरी झटपट मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए महा उपाय के साथ और आपको देंगे एक नया गुड लक टिप। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जय श्री कृष्ण।